नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां कविनगर पुलिस ने 1 करोड़ का बरामद किया गांजा। फल और सब्जी के ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। कविनगर पुलिस ने फल और सब्जियों के ट्रक में छिपाकर ले जा रहे 8 क्विंटल गांजा बरामद करने का दावा किया है। इस संबंध में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके 2 अन्य साथी फरार हो गए हैं। यह गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था। इस संबंध में एक मारुति कार को भी पकड़ा गया है, जो ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही थी। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। अच्छी तरह चेकिंग ले लिया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। सीट भी करा के सब। ये लूट वोट की है क्या? अभी चेक करवा रहा है, मैं समझता हूँ चोरी लगता है। टायर पूरे पत्ते वाला, पत्ते और बीज है उड़ीसा वाला। ऐसे ड्राइवर कौन सा है इनमें? हेल्पर क्या करते हो? हाँ भाई, क्या करते हो तुम? मैं सर अपनी गोदाम में रहता हूँ। कहाँ पे? यही काजीपुरा। तो तुम्हारे गोदाम में लाना था इस ट्रक को? हाँ, इनका सामान है। इनका क्या है क्या नहीं, इन्होंने कहा कि मुझे मुझे सर पता नहीं था, तो मैंने कहा खाली कर लो, कोई बात नहीं। एंट्री में फंसी है, उसे मैं तुम्हारी गोदाम में खाली कर लूँ और छोटी गाड़ी में अपना माल भर लूँगा। क्या चीज़ का गोदाम? टेंट हाउस का हमारा गोदाम है। जैसे टेंट लगती है छोटे मोटे काम शादी ब्याह में, तो हम वहीं रहते हैं। क्यों भाई ड्राइवर साहब, कहाँ से आ रहे थे? तुम्हारा नाम क्या है? उड़ीसा से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दशरथ ही खड़ा है। अच्छा, तो गांजा कहाँ से मिला? बताया था कि ट्रक में कहाँ जा रहा है? भैया जो ड्राइवर के साथ हम आए थे वो भाग गए। अच्छा, वो हमें पैसा देगा बोल के बुला के लाया था। हाँ, कितने रुपए? 30,000 रुपये एक चक्कर के। रास्ते में कहीं पुलिस मिली, किसी ने चेकिंग की, या फिर डायरेक्ट टापो में टाप आते रहे? डायरेक्ट आ गए सर, रास्ते में चेकिंग भी पड़ा था, पर केला लोड था ना। अच्छा अच्छा, कुछ दे दा दिया क्या? नहीं सर। ठीक सर, गाजियाबाद कविनगर पुलिस ने 8 से 9 क्विंटल अवैध गांजा पकड़ा है ट्रक के अंदर। कहां से ये गांजा लाया जा रहा था, कहां सप्लाई हो रहा था, कितने लोग पकड़े गए हैं, इसके बारे में क्या डिटेल? गाज़ियाबाद में जो थाना कविनगर और CO सेकंड की क्राइम टीम द्वारा एक बहुत गुड वर्क किया है, जिसमें इन्होंने एक ट्रक को बरामद किया है जिसके अंदर अवैध गांजा लदा हुआ था। ये जो ट्रक है ये उड़ीसा के रजिस्ट्रेशन नंबर पर रजिस्टर्ड है और ये उड़ीसा के खोरापुर करके एक जगह है, वहाँ से 2 अक्टूबर के रात में चला था। इस ट्रक के साथ साथ एक ड्राइवर और इसको एस्कॉर्ट करती हुई एक मारुति SX4 गाड़ी है जिसको हमने बरामद किया है। SX4 गाड़ी में ऐसा ड्राइवर द्वारा बताया जा रहा है कि 2 से 3 व्यक्ति सवार थे जो इस माल को एस्कॉर्ट करके गाज़ियाबाद ला रहे थे। इस ट्रक में जो गांजा आया है उसको लाने का तरीका ही बहुत अनोखा है, जिसमें जो गांजा है उसके ऊपर केले के पत्ते और केले और साथ ही साथ गोभी की सब्जी वगैरह लगा करके इसको छुपा करके लाया जा रहा था। ये पुलिस को सटीक सूचना लगी, उसके तहत इस ट्रक को हमने बीच रास्ते में रोक लिया और इसमें से ये बरामदगी हुई है, जिसमें 7.5 से 8 क्विंटल के करीब का जो अवैध गांजा है वो बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। सर, आपने बताया एक गाड़ी इसको फॉलो करते आ रही थी, कितने लोग थे? 3 लोग आपने बताए, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ इस ट्रक को खपाना था, क्या कुछ जानकारी? जो ये गाड़ी है SX4, ये इसको एस्कॉर्ट करते हुए लगातार आ रही थी ताकि रास्ते में अगर कोई इस ट्रक को पकड़ लेता है
तो उसको क्लियर पैसेज दिला सके। इस गाड़ी में 2 से 3 व्यक्ति सवार थे जिनके कुछ नाम हमारे पास हैं जो अभी गोपनीय रखे जा रहे हैं। इनकी धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। इस गाड़ी में जो लोग थे वो ऐसा बताया जा रहा है ड्राइवर द्वारा कि दिल्ली NCR के पूरे क्षेत्र को हैंडल करते थे और इस गांजे को दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते। गाड़ी बरामद कर ली गई जी, दोनों गाड़ी जो ट्रक है और जो मारुति SX4 गाड़ी दोनों बरामद कर ली गई।